हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 4 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ली जिंग सीएन को अपने दिल का हाल बताता है। सीएन उसे मना करके कहती है, हम दोस्त हैं, बट मेरे दिल में आपको लेकर कुछ भी नहीं है। ली जिंग उसे मनाने की बहुत कोशिश करके कहता है, मैं सीरियस हूँ, जैसे हम ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में रहे हम वैसे ही रहेंगे। सीएन बहाना मार के कहती है, आप गोस्ट लॉर्ड के सेकंड सन हो, आप गेस्ट रूम में रहे, बहुत लेट हो गया है, मैं कल आपको बाहर छोड़ आऊंगी। ली जिंग कहता है, मैं इतनी दूर ये सब सुनने तो नहीं आया था। सीएन उसे जैसे ही मना करके कुछ कहने ही वाली होती है, तभी वहाँ दीफेंग आकर कहता है, गोस्ट ट्राइब यहाँ कुल्लून माउंटेन में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सीएन दीफेंग को रोकती है। दीफेंग कहता है, तुम भूल गए तुम कौन हो, अब तुम इसे डिफेंड कर रहे हो। वो सीएन को साइड करके ली जिंग से कहता है, तुम्हारे फादर ने लिंगयू को टॉर्चर किया और अब तुम सीएन को हैरेस करने आए हो। ली जिंग कहता है, तुम आईएन के साथ के डिसिप्लिन हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। दीफेंग कहता है, तुम कर भी क्या सकते हो, पहले ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में तुम लोगों ने हमारे डिसिप्लिन का फायदा उठाया क्योंकि वो वहाँ अपने पार का यूज नहीं कर सकते थे, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दीफेंग ली जिंग से लड़ता है। ली जिंग बिना लड़ाई किए अपने आप को डिफेंड करता है। तभी सीएन दीफेंग को रोकती है। दीफेंग कहता है, मैं इससे तुम लोगों का पूरा बदला लूंगा। तभी लिंगयू बीच में आकर रोक कर कहता है, इसे जाने दो। दीफेंग कहता है, मैं क्यों इसे जाने दो, भूल गए इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। लिंगयू कहता है, इन्होंने ही वहाँ हमारा अच्छे से ख्याल रखा, अगर वापस आकर मास्टर से मुझे माफ़ी नहीं मांगनी होती तो शायद मैं सुसाइड ही कर लेता, शायद वो लोग सीएन के हाथ पैर भी तोड़ सकते थे। दीफेंग पूछता है, तुम सही कह रहे हो, बट बोलो नहीं, इसी के फादर ने तुम्हें पकड़ा। सीएन ली जिंग को भगा देती है। ली जिंग कहता है, तुम वेट करना, मैं वापस आऊंगा। दीफेंग गुस्सा करता है, लिंगयू से रोकता है। दीफेंग जीलान को ली जिंग के पीछे भेजता है। बाद में जीलान बताता है, वो केव की तरफ भाग गया, क्या अब भी हम उसके पीछे भागे। दीफेंग मना करके कहता है, लिंगयू ऐसी किसी की साइड नहीं लेगा, वो बुरा नहीं था, अच्छा हुआ वो चला गया। जीलान पूछता है, उस केव में अलग ही पावर महसूस हो रही है, क्या है उसमें, मास्टर ने भी हमें वहाँ जाने के लिए मना किया है। दीफेंग बताता है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने वो केव मास्टर से बोरो किया, शायद डेमन एनर्जी को सील करने के लिए, अगर वो गोस्ट प्रिंस लकी होगा तो वो उसे अवॉइड करेगा, नहीं तो उसकी किस्मत। यहाँ सीएन और श्वान्यो घूमते हैं। श्वान्यो पूछ दिया, सीनियर डिसिप्लिन की किसी से लड़ाई हुई है क्या, शायद वो प्रिंस थे। जब से आप गोस्ट ट्राइब से लौटी हैं, आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पढ़ती जा रही है, क्या वो लोग वॉर करने वाले हैं। सीन कहती है, तुम क्यों पूछ रही हो। श्वान्यो कहती है, जब मैं चिंगचू में रही मैंने वहाँ सुना गोस्ट लॉर्ड वॉर छेड़ने की फिराक में है। सीन कहती है, जो भी हो वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मास्टर की फॉर्मेशन स्पेल से वो जीत ही नहीं सकते। तभी फायर चीलिंग सीएन से कहता है, मेरे मास्टर सेकंड प्रिंस को बचा लो। यहाँ लीजिंग फिनिक्स डेमन से बचता है। सीएन लीजिंग को बाहर ले आती है। फिनिक्स डेमन बाहर आकर उन दोनों से लड़ता है। लड़ाई करते करते लीजिंग घायल हो जाता है। तभी सीएन फिनिक्स डेमन को हरा देती है। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ ट्रेजर आकर उसे रोककर कहता है, आप आने वाले टाइम में हाई रैंक इमॉर्टल बनेंगी। सीएन कहती है, आप मास्टर से मिलने आए हैं। लॉर्ड कहता है, नहीं ये फिनिक्स यहाँ बंद है, मुझे बहुत अजीब लगा इसलिए मैं इसे देखने यहाँ चला आया। सीन पूछती है, क्या ये आपका है। लॉर्ड कहता है, नहीं इसके अंदर डेमन की पावर है, इसलिए मैं इसे यहाँ लाकर स्पिरिचुअल पावर कुल्लून माउंटेन की टालना चाहता था ताकि इसकी डेमन की पावर खत्म हो जाए, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तुम दोनों को ऐसे इंजॉय करेगा। तभी वो सीन को क्लाउड क्लियरिंग फैन देकर कहता है, ये जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून के बराबर तो नहीं, बट इसे कम मत समझना, ये एक माफी की तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। सीएन उसे ले लेती है। लॉर्ड कहता है, याद रखना इस फैन की पार चलाने वाले की पार पे डिपेंड करता है। सीएन कहती है, आप इसकी चिंता ना करें, मैं इसे गलत हाथों में जाने नहीं दूंगी। लॉर्ड फिनिक्स डेमन को ले जाता है। ली जिंग बेहोश होकर गिरता है। सीएन उसे संभाल के उसका ख्याल रखकर कहती है, थैंक यू आपने फिनिक्स से मुझे बचाया। ली जिंग हंस के कहता है, उसका कोई यूज ही नहीं, बट तुमने मुझे आज दो बार बचाया है। सीएन उसको खिला के कहती है, ये कुल्लून माउंटेन है, यहाँ आपकी पार का कमजोर होना नॉर्मल है, इसमें एम्बैरेस होने की कोई जरूरत नहीं। लीजिंग कहता है, आयन थैंक यू तुम मुझसे मिलने आई, फादर ने जब मुझे जेल में डलवा दिया उसके बाद मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया, मैं अपनी नजरों में ही गिर गया, तुम यहाँ के डिसिप्लिन हो, तुम बड़ी गॉड बनोगी जब पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्टफुल की नजरों से देखी जाओगी, मैं होता कौन हूँ तुम्हें डिजर्व करने वाला। सीएन कहती है, कुछ मत सोचो, फिनिक्स ठीक होने गया है। पर जैसे ही जाती है लीजिंग पूछता है, तुमसे मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई तो रास्ता बताओ कि मैं तुमसे आकर अंदर कैसे मिलूं। सीएन उसे टेल्समैन देखकर कहती है, इसे तुम कुल्लून माउंटेन में आ जा सकते हो, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं लड़की हूँ, सो तुम केयरफुल रहना। यहाँ श्वान्यू की मदर श्वान्यू से मिलकर उस पर गुस्सा करके कहती है, तुम शादी से भाग निकली, चलो वापस, हमें एम्बैरेस मत करो। श्वान्यू मना करके कहती है, मैं नहीं जाऊंगी।
उस काले बेयर स्प्रिट से शादी करने के लिए। मदर कहती है, तुम्हें लगता है तुम अपनी बहन की तरह हो? उसने लीगल वाइफ से जन्म लिया है, इसलिए वो चिंचू में बाई फैमिली का हिस्सा बन गई। तुम्हारी मदर दूसरी वाइफ है, समझी? अगर तुम ऐसी जिद पे अड़ी रहोगी तो फ्यूचर तुम्हारा तुम्हें बहुत नुकसान देगा। श्वानू दीपेंग से हेल्प मांगकर कहती है, अगर मुझे कोई पसंद नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगी। मदर गुस्सा करती है। दीपेंग कहता है, मैडम आप अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तभी सीयन और जीलान वहाँ आते हैं। मदर कहती है, ये मेरी बेटी है, मेरा हक है इसकी शादी कराने का। तुम यहाँ के डिसिप्लिन हो, इस मामले में तुम्हारा पढ़ना ठीक नहीं। अगर शादी और डिले हुई तो पता नहीं क्या होगा। वह जैसे ही दीपेंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, तभी सीयन रोकर दीपेंग की आइडेंटिटी बताती है। मदर दीपेंग की आइडेंटिटी जानकर पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी में इंटरेस्टेड हो? दीपेंग जैसे ही कुछ कह पाता, सीयन और जीलान बातों को बदल कर कहते हैं, हमारे ये सीनियर डिसिप्लिन है, डायरेक्ट शादी की पूछना ठीक नहीं। वो मदर को पटाकर श्वानू को यहीं रुकने के लिए कहते हैं ताकि कोई गुड न्यूज ही मिल जाए। मदर एग्री करके खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बाद में दीपेंग पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे थे? सेन कहती है, अर्जेंट मैटर था इसलिए। दीपेंग श्वानू को बातें क्लियर करके कहता है, इनकी बातों पे मत आना, ये लोग बस बातें बना रहे थे। वो उससे सीयन और जीलान की तरफ से माफी मांगकर कहता है, मैं वेस्ट सी का प्रिंस हूँ, यहाँ की पढ़ाई करके मुझे वहाँ वापस जाना होगा, शादी मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। वह सीयन और जीलान पे गुस्सा करके कहता है, तुम लोग ऐसा कर कैसे सकते हो? सीयन कहती है, इमरजेंसी थी। जीलान भी कहता है, गुस्सा मत हो, हमें पता है आपको श्वानू को लेकर कुछ भी नहीं है, पर आपकी शादी अरेंज ही होगी। दीपेंग गुस्सा करके उन्हें पढ़ने के लिए भेज देता है। फायर चीलिंग सीएन के केव के बाहर लीजिंग का लेटर रखकर चला जाता है। सीएन और श्वानू दोनों बाहर आते हैं। श्वानू को लेटर दिखता है, वो उसे पढ़ती है। उसमें सीएन को लेकर लव लेटर लिखा होता है। सीएन लेटर छीन के कहती है, मैंने उसे टेल्स में दिया ताकि जब वो ठीक हो जाए तो वो यहाँ से जा सके, बट ये क्या पोएम भेजी है उसने? श्वानू पूछती है कि ये गोस्ट रियल्म के सेकंड प्रिंस है। वो लेटर पढ़ती है। सीएन अनकंफर्टेबल होकर लेटर छीन के ले जाती है। बाद में श्वानू को पाशियन की फ्लैशबैक्स याद आते हैं, जिसमें वो उसके चेहरे की तारीफ करके कहती है, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बदसूरत बना दिया। पाशियन मना करके कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दे सकती हूँ, मैं जीयान से सीख के तुम्हें अपना चेहरा दे दूंगी। श्वानू पूछती है, क्या मैं तुम्हारी तरह दिखूंगी? पाशियन कहती है, वो कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। श्वानू मुंह बनाती है। पाशियन कहती है, तुम हमेशा मेरी तरह दिखना चाहती हो, जैसे जैसे तुम बड़ी होगी तुम मेरी तरह दिखने लगोगी, बट इस स्पेल को सीरियसली मत लेना और गलत चीजों के लिए कभी भी यूज मत करना, रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। श्वानू कहती है, मैं क्यों बुरा करूंगी? यहाँ करंट में श्वानू कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं उस छोटे ब्लैक स्पिरिट से शादी क्यों करूं? वो अपना चेहरा पाशियन का बदल लेती है। यहाँ सीएन लीजिंग का लव लेटर पढ़ के कहती है, प्यार में दीवाना हो गया है। वो बहुत खुश होती है। दूसरे ही दिन जैसे ही सीएन अपनी क्लास लेने जाती है, फायर चीलिंग उसका रास्ता रोककर उसे लीजिंग का लेटर पढ़ने को कहता है। सीएन लेटर पढ़ के कहती है, क्या वो सुसाइड करने वाला है? सीएन भागी भागी लीजिंग के पास पहुँचती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, बट वो बेहोश होता है। तभी सीएन फैन ऑफ कुल्लून से लीजिंग को एनर्जी देने की कोशिश करती है, बट फायर चीलिंग कहता है, इस आर्टिफैक्ट को यूज करके आप इनकी बॉडी और खराब कर दोगे, क्यों ना आप इनके हर्ट को कुछ ऐसा कहे कि उठ जाए। सीएन कहती है, लीजिंग अगर तुम उठती हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ। तभी लीजिंग खुश होकर सीएन के एकदम से गले लग जाता है। फायर चीलिंग हंस के बाहर चला जाता है। लीजिंग हंस के कहता है, तुमने प्रॉमिस किया है पलटना है। सीएन कहती है, झूठे, अगर मैं पलट गई तो? लीजिंग कहता है, तो मैं वाकई में मर जाऊंगा। सीएन कहती है, ठीक है जाओ मरो, मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही जाती है, लीजिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है, आयन मैं यहाँ आधे महीने से रह रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक ही बार ही देख पाया हूँ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। सीएन कहती है, बकवास करना बंद करो, ये बताओ तुम्हारी वाइफ का क्या हुआ जो हरम में रह रही है? लीजिंग कहता है, छोड़ दूंगा। वो कसम खा के कहता है, मैं लीजिंग इस जिंदगी में सिर्फ आयन का ही रहूंगा, अगर मैंने ये कसम तोड़ी तो पूरी जिंदगी में खुश नहीं रहूंगा और अकेला ही रहूंगा। सीएन कहती है, ऐसा मत कहो। लीजिंग मजाक करके कहता है, मसाज कर दो मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सीएन उसे हंस के मार के कहती है, तुम्हारे फायर चीलिंग ने पहले कभी नहीं बोला, ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से बोलने लगा? लीजिंग कहता है, पहले वो बहुत बोलता था बट मैंने उसे चुप रहने को कहा। सीएन कहती है, अच्छा तभी वो तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियों का दिल जीतवा कर लाया है। लीजिंग दर्द का ड्रामा करता है। सीएन ठक्का मारती है। लीजिंग उसे चेड़ के कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सीएन कहती है, तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन चलता क्या रहता है? लीजिंग कहती है, तुम अवॉइड कर रही हो। सीएन कहती है, मुझे बात नहीं करनी, मैं यहाँ की डिसिप्लिन हूँ, तुम्हारे जैसे मैं बार बार नहीं आऊंगी। वो ये कहकर चली जाती है। फायर चीलिंग सीएन को केव में छोड़ता है। सीएन कहती है, यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं, दोबारा मत आना। फायर चीलिंग चला जाता है। ये सब नज़ारे श्वानू दूर से देखती है।
बाद में सीन पढ़कर सोचती है बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर की डिटेल्स कहीं भी नहीं लिखी, किसी को भी उसके बारे में पता ही नहीं है। जब मास्टर प्राइवेट प्लेस से बाहर आएंगे मैं खुद ही उनसे सब कुछ पूछ लूंगी। तभी श्वानू आकर पूछती है, आयन तुमने आज मॉर्निंग क्लास नहीं ली, कहाँ चली गई थी? क्या तुमने टाइम पास के लिए कोई नई जगह ढूंढी है? सीन बहाना मारती है। श्वानू कहती, जानती हूँ तुम सीनियर की तरह मुझे भी अवॉइड कर रहे हो, बट मेरी वो इंटेंशन नहीं है। बट तुम बहाना क्यों मार रहे हो? रहने दो, मुझे नहीं सुनना। सीन गिल्ट में रहकर कहती है, मैं फ्रेंड से मिलने गई थी। श्वानू पूछती है, वही जिसने लव लेटर लिखा था? सीन कहती है, वो लव लेटर नहीं था। श्वानू कहती है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? वो तुम्हारी फ्रेंड है तो मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। सीन कहती है, उसकी आइडेंटिटी? श्वानू और सेंटिमेंट डायलॉग मारती है। सीन उसे लीजिंग से मिलवाने के लिए फाइनली मान जाती है। जैसे ही वो लीजिंग के पास पहुँचते हैं, लीजिंग कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट बनाया है। सीन कहती है, तुम हर बार ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाते हो ताकि मुझे खुश कर सको। उसे थैंक्स कहकर श्वानू का इंट्रोडक्शन एज अ कजन कहकर कराती है। लीजिंग उसे देखकर कहता है, तुम सीन की तरह दिख रही हो। श्वानू कहती है, मेरा और उनका कंपैरिजन कैसे हो सकता है? लीजिंग सीन से कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो तो तुम इसे भेज दिया करना, सो मैं बोर नहीं होऊंगा। तभी सीन उसे मार के कहती है, तुम्हें किसी की कंपनी चाहिए क्योंकि तुम बोर होने से डरती हो। लीजिंग कहता है, ऐसा नहीं है। वो उसे पूछता है, तुम्हारे पास टाइम है क्या? सीन कहती है, मास्टर बाहर आने वाले हैं तो मैं तुम्हारे पास आसानी से मिलने नहीं आ पाऊंगी, तुम ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में वापस चले जाओ और वहाँ टाइम पास करो। लीजिंग जिद करके कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, बाकी लड़कियों को मैंने भिजवा दिया है, आज के बाद मैं बस तुम्हारे पास ही रहूंगा। सीन फ्लूट लीजिंग को देकर कहती है, इसे तुम रखो। डिसिप्लिन को पता चल गया कि मेरे पास नई चीजें हैं तो वो शक करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि मास्टर मेरे लिए हेवनली ट्रायल से गुजरे हैं और अब वो बहुत घायल भी है, सब मुझे उनकी चिंता है। लीजिंग कहता है, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम हर बार अपने मास्टर की बातें क्यों कर रही हो? सीन कहती है, क्यों नहीं, बस मेरे मास्टर का रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत अच्छा है, ये तो नॉर्मल है। लीजिंग श्वानू को देखकर कहता है, तुम मुझसे मिलने आई और साथ में किसी और को भी लाई हो, मैं तुमसे ढंग से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। सीन कहती है, श्वानू देख रही है, वो कहती है, अब हमें चलना चाहिए। लीजिंग कहता है, अभी तो तुम आई हो ना। सीन कहती है, सीरी और सभी हम सभी पे नजरें रखे हुए हैं, अगर तुम बोर हो जाओ तो तुम घूमने निकल जाना। लीजिंग कहता है, तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे सीनियर मुझे पकड़ लेंगे और दोबारा मारने लगेंगे? सीन हंस के कहती है, डर रहे हो तो तुम केयरफुल रहना, मैं चलती हूँ। वो लोग चली जाती हैं। यहाँ सीन और श्वानू वापस लौटती है। दीपन कहता है, तुम आज जल्दी वापस आ गई। सीन कहती है, मैंने बोर्ड की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा मास्टर वापस आ गए होंगे। लीजिंग सब दुख के चोरी बातें सुनता है। दीपन कहता है, जीलान उसके साथ खेल रहा था, बट तुम चिंता मत करो, मैं मास्टर से कहूंगा, तुमने अच्छा किया इस बार। सीन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं दिल से चाहती हूँ कि मास्टर जल्दी से बाहर आए, अगर वो मेरी जगह हेवनली ट्रायल नहीं लेते तो वो इतने इंजर्ड नहीं होते। वो लोग चले जाते हैं। तभी लीजिंग मन में सोता है, तुम मुझे मोयुआन के लिए छोड़कर आई क्योंकि वो बाहर आने वाला है, तुम उसके लौटने की इतनी चिंता कर रही हो कि तुम दिनों रात उसके बारे में सोचती हो। वो चला जाता है। श्वानू से जाते हुए देख के खूब खुश होती है। बाद में श्वानू लीजिंग के पास सीन के कपड़े पहनकर पहुंचती है। लीजिंग कहता है, तुम और ऐसे? श्वानू कहती है, लड़कों के भेष में यहाँ आना जाना आसान है। लीजिंग कहते हैं, हाँ कुल्लून माउंटेन में सभी लड़के हैं, लड़की का यहाँ होना आसान नहीं, बट मैंने तुम्हें अभी आयन ही समझ लिया। श्वानू कहती है, भले ही हम एक जैसी दिखती हैं बट हमारा स्टेटस बहुत अलग है, वो मोयुआन की फेवरेट डिसिप्लिन है और मैं एक साधारण इमॉर्टल हूँ जिसे कोई नोटिस ही नहीं करता। लीजिंग कहता है, तुम्हारा अपना चार्म है, क्या आयन ने तुम्हें यहाँ भेजा है? श्वानू मना करके कहती है, मैं बस आपसे यहाँ स्पेशली मिलने आई हूँ, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, हो सकता है आपको सुनकर शायद बुरा लगे। लीजिंग कहता है, खुलकर पूछो। श्वानू पूछते है, क्या आप और हाईनेस कपल हो? मुझे फीलिंग है बट मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती, बट आप यहाँ कुल्लून माउंटेन में क्यों रुकी हो? आपको डर नहीं कि ये बातें अगर गोस्ट ट्राइब में पता चल जाए? एट द एंड ये इम्पॉसिबल है, गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब में रिश्ता होना। लीजिंग पूछता है, क्या आयन ने ये सब कहा? इसलिए उसने तुम्हें ये सब कहने के लिए मेरे पास भेजा है? श्वानू मना कर दिया है। लीजिंग शॉक होकर कहते हैं, कैसे मैंने ये सब नहीं सोचा, अगर आयन सेलेस्टियल ट्राइब से नहीं होती तो मैं उससे डायरेक्ट शादी करके उसे अपने पैलेस में ले जाता, कुछ भी कोने से नहीं डरता। श्वानू कहती है, सीन अगर किसी को जरा से ज्यादा पसंद करती है तो वो कोई और नहीं उसके मास्टर मोयुआन है। लीजिंग कहता है, कुछ मत कहो। वो ड्रिंक करने लग जाता है। तभी श्वानू सीन का भेष बदल लेती है। लीजिंग पूछता है, तुम सीन हो? श्वानू हंसती है। बाद में श्वानू फ्लूट लेकर खुशी से जाती है। दीपेंग नोटिस कर लेता है, वो कहता है, सीन बाहर आओ। श्वानू उसे ग्रीट करती है। दीपेंग पूछता है, तुम सीन के कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो?
श्वानियों कहती है मैं घूमने गई थी। वो बहाना मारती है। दी फैंग हंस के कहता है तुम और सीयन वाकई में एक जैसी दिखती हो। श्वानियों ग्रीट करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद मॉर्टल रियम में श्वानू और ली जिंग खाने पे जाते हैं। श्वानू टी देकर पूछती है आप यहाँ आते रहते हो क्या। ली जिंग कहता है मैं पहले कई बार आया था। श्वानू कहती है आपने सारी लड़कियों को आईएन के लिए भिजवा दिया। अगर हाईनेस आपके दिल में मुझे लेकर कहीं कोई छोटी सी फीलिंग्स होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ली जिंग कहता है श्वानू मुझे उस रात तुम्हें लेकर कंफ्यूजन था। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो आईएन के साथ भी गलत है। श्वानू कहती है हाईनेस अगर आप चाहते हैं कि मैं सब भूल जाऊं तो मैं सब भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है अपने आप को ब्लेम मत करो मैं ऐसा ही चाहती थी। तभी वहाँ सीन आकर पूछती है ये जेंटलमैन किसका वेट कर रहे हैं। लीजिंग कहते हैं तुम्हारा और किसका। सीन कहती है मजाक मत करो आप दोनों ने 4 घंटे से मेरा वेट किया। सीरिया ने मुझे रोक लिया इसलिए मैंने श्वानू को पहले ही भेज दिया ताकि वो तुम्हें कंपनी देने पहले चली आए। लीजिंग कहता है 4 घंटे मैंने तुम्हें 10 दिन से ज्यादा ही नहीं देखा। सीन पूछते 10 दिन हो गए क्या। लीजिंग कहता है हाँ आयन कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी। सीन कहती है वो जैसी रूट और केयरलेस को काम से कम 70,000 to 80,000 ईयर्स लगेंगे। लीजिंग टेंशन में कहता है मुझे डर है कि तुम उसके बाद भी मोयन के साथ कंटिन्यू ना करो। सीन कहती है ऐसी बेशरमों वाली बातें तुम क्यों कर रहे हो। तुमने किसी की बकवास सुनी है क्या। कौन था किसने कहा ये सब तुम्हें। श्वानो मुंह बनाकर चली जाती है। सीन कहती है मैं अभी तो आई हूँ तुम क्यों जा रही हो। तुम लोगों को हो क्या क्या है क्या तुमने उसे बुली किया। लीजिंग कहता है मैं तुम्हारे लोगों को बुली करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। वो उसे गिफ्ट देता है। सीएन उसे देख के खुश होकर पूछती है तुमने बनाया है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ क्या तुम माउंट चुंजी से दूर कहीं ईस्ट में है वहाँ गए हो क्या। मैं वहाँ अपने साथ के डिसिप्लिन को ले जाकर वहाँ अकेला करती हूँ। हम वहाँ जाएंगे बट वहाँ कोई इंसान नहीं रहते बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं मजे आते हैं वहाँ तुम चलोगे क्या। लीजिंग एग्री करता है। यहाँ शिंकांग को ली युआन बताता है। लीजिंग गायब हो गया है। शिंकांग शॉक में पूछता है वॉर होने वाली है और वो गायब हो गया। ली युआन कहता है शायद वो कुनलुन माउंटेन गया है। शिंकांग पूछता है मतलब। ली युआन कहता है लीजिंग को वो इमॉर्टल सीएन बहुत पसंद थी। जब वो यहाँ ग्रैंड जिमिंग पैलेस में बंदी रही मेरे हिसाब से वो उसके पीछे ही गया होगा। शिंकांग गुस्सा करके कहता है अगर ऐसी बात है तो वो मेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं। यहाँ लीजिंग ड्रिंक करता है। श्वानू उसके बाहों में रहकर पूछती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतने रिस्पेक्टफुल हैं तो आप यहाँ कुनलुन माउंटेन में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। लीजिंग कहता है वो तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। श्वानू कहती है आयन सबसे ज्यादा मोयुआन को पसंद करती है तो उसके लिए आप अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। श्वानू उसे किस करके कहती है जानती हूँ हाइनेस आपके दिल दिमाग में सीएन बसी है जो सेलेस्ट्रियल ट्राइब से है। क्या मैं सेलेस्ट्रियल ट्राइब से नहीं आती बट मैं आपके साथ गोस्ट ट्राइब में चलकर रहने को भी तैयार हूँ। लीजिंग कहता है तुम सही कह रही हो गोस्ट ट्राइब और सेलेस्ट्रियल ट्राइब में रिश्ता बढ़ ही नहीं सकता। वो उसे किस करता है। यहाँ सीएन मास्टर का रूम सजाकर कहती है मास्टर प्राइवेट प्लेस से बाहर नहीं निकले हैं इतना टाइम हो गया है कब आएंगे वो। बाद में वो लेटर अपने फोर्थ ब्रदर बाईजेन को लिखती है ब्रदर मुझे आपको कुछ बताना है गोस्ट ट्राइब के सेकंड प्रिंस से मैं बाई चांस मिल गई हम दोनों बहुत करीब हैं और मेरे दिल में उनको लेकर कुछ फीलिंग्स भी हैं। मेरे और उन्होंने कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा बट मैंने अपना मन बना लिया है अभी दोनों ट्राइब के बीच वॉर होने वाली है। तभी दीफेंग गुस्से में आकर कहता है लीजिंग को उस वक्त गुस्से में घायल किया तो तुमने मुझे ब्लेम किया मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसे उस वक्त क्यों नहीं मारा अगर वो तुम्हें नहीं ले पाया तो उसने श्वानू को ही ले लिया। सीरियन शौक होकर पूछती क्या कह रहे हो आप। दीफेंग कहता है जब मैं गुजरा मैंने उन दोनों को दूर से देखा साथ में हाथ पकड़ के घूम रहे थे बहुत क्लोज थे वो ये तो गलत है श्वानू फीमेल इमॉर्टल है और लीजिंग क्या है वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। सीएन शॉक होकर भागती है। वो लीजिंग की केव में अंदर जाती है फायर जीनिंग उसे रोकता है बट सीएन लीजिंग और श्वानू को ऑकवर्ड पोजीशन में देखकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगया यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगया एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन.जगया। थैंक यू।